नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलवाने की, रूबरू करवाने की, रियल फैक्ट दिखाने की कि डेरा सच्चा सौदा रिसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह की हिंसा का रियल फैक्ट क्या है। एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा ने लोगों के लिए क्या काम किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कदम उठाए हैं, गुरु जी का क्या रोल है, ये हम एक्चुअली लोगों के पास पहुंचेंगे, एक्चुअली लोगों से आपको मिलवाएंगे। आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरप्रीत इंसा जी, जो एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है हमारे साथ, जो काफी आर्टिस्ट हैं, जो क्रेविंग आर्टिस्ट हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पूरी इंट्रोडक्शन वो खुद ही आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने सक्सेस को हासिल किया, किस तरह से वो आगे बढ़े। वो एक पंजाब के एक गाँव से बिलोंग करती है हरप्रीत इंसा जी। चलिए चलते हैं उनके पास, करते हैं उनसे सीधी बात। नमस्कार हरप्रीत जी। नमस्कार, द फैक्ट टाइम चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और किस तरह की अचीवमेंट आपने हासिल की। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव मंडी लखेवाल की रहने वाली हूँ, और जो एरिया है वो बहुत बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम कुछ अच्छा ड्राइंग मटेरियल खरीद सके या हम आगे अच्छे से बढ़ पाए, और जो मैं ये यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए, अच्छा ड्राइंग मटेरियल ले पाए। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं, मुझे चिट्ठी से ड्राइंग मटेरियल लेकर देते हैं। और जैसे हमें गुरुजी से, मेरे गुरुजी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा, उनसे मेरे पेरेंट्स को जैसे प्रेरणा मिली, मुझे मिली, तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे आगे बढ़ने के पूरे मौके देते हैं। और ये जो मैंने आर्ट शुरू किया था, पेंसिल लेड कार्विंग आर्ट, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था और फिर मैंने ये आर्ट स्टार्ट किया। और जब भी मैं कोई भी आर्ट करती हूँ, चाहे पेंटिंग हो चाहे ये वाला आर्ट हो, तो मैं पहले जो मेरे गुरुजी से मैंने मेडिटेशन लिया हुआ है उसका आधा घंटा या 15 मिनट उसका जाप करती हूँ, फिर ये मैं आर्ट करती हूँ। ये आर्ट मैंने बिना ट्रेनिंग के, ये जो रिकॉर्ड मैंने हासिल किए हैं, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी भी कैसे पेंसिल को पकड़ना है, कैसे उसको काव करना है, ये सब मेडिटेशन के बदौलत ही मुझमें विल पावर आई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो उस मेडिटेशन, जब मैं मेडिटेशन करके जब भी मैं कोई भी आर्ट करना स्टार्ट करती हूँ तो वो अपने आप होता जाता है। और ये जो 3 रिकॉर्ड मुझे मिले हैं, ये सब गुरुजी की प्रेरणा से और मेडिटेशन की पावर से ही मुझे मिले हैं। जी जी हरप्रीत जी, हम देख रहे हैं कि आपकी दीवार के पीछे काफी इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तस्वीर में भी दिख रहा है आपके पीछे जो लगे हुए हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड आपको मिले होंगे? मुझे 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 1 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है। जी जी जी, मतलब किस कैटेगरी में आपको मिले होंगे? मुझे ये पेंसिल एंड कार्विंग आर्ट में मिले हुए हैं। मैंने पेंसिल पर एक तो अपने इंग्लिश के 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं वो काम किए थे, और पंजाबी के 35 लेटर्स काम किए थे। पंजाबी के तो किए थे मैंने 10 सेंटीमीटर में, और जो इंग्लिश के है लेटर्स उनको मैंने 7.5 सेंटीमीटर में काम किया। जी देखिए दर्शकों, हम कोशिश कर रहे हैं आप तक फैक्ट दिखाने की, वुमन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती थी, ये डेरा सच्चा सौदा की रियलिटी है कि एक गांव की बेटी आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा को अपना इंस्पायरेशन बता रही है, अपना मोटिवेटर बता रही है कि उनकी वजह से आज उनके नाम पर 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और एक छोटे गांव से ये लड़की बिलोंग करती है। ये करारा जवाब है जो इतना कुछ डेरा सच्चा सौदे के बारे में फैलाया गया, और वहां जाने वाली लड़की जो उनको मानती है उसका कहना कुछ और है। और भी इनसे बातें करेंगे कि जो काफी कुछ डेरा सच्चा सौदा के बारे में, खासकर लेडीज को लेकर दिखाया गया, हरप्रीत जी काफी कुछ लगातार चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा था। आप भी एक बेटी हो, ठीक है, आप क्या बताना चाहोगे, क्या सच्चाई है, असलियत क्या है? जैसे हम अपने घर पर रहते हैं, हमें मालूम है हमारे घर में कौन कैसा है, क्या होता है, वैसे ही डेरा सच्चा सौदा सिरसा का आश्रम हमारा घर है। हम इतने सालों से वहां पर जा रहे हैं, हमें मालूम है वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है।
अगर जो मीडिया जी जो दिखा रहा है, हमें मालूम है हमारे घर में क्या हो रहा है, तो हम उसकी मनगढ़ंत बातों पर कैसे विश्वास करें? हमें मालूम है, जैसे हम दरबार जाते हैं, हमारे गुरुजी ने जैसे मानता भलाई के 134 तारे चला रखे हैं, गुरुजी जब भी सत्संग करते थे तो वो हमें मोटिवेट करते थे मानता भलाई के कार्यों के लिए, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें दुनियावी शिक्षा के साथ साथ रूहानियत की शिक्षा भी देते थे। तो वो हमें मालूम है कि वहां पर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो दरबार है वो सच्चा है, हमारे गुरु जी सच्चे हैं। जी जी, आपका जैसे मानना है कि आपके जो घर है डेरा सच्चा सौदा, वहां ऐसा माहौल नहीं था जैसे दिखाया गया, फिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब एक संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा या डेरा सच्चा सौदा को इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? जैसे सारे वर्ल्ड को पता है गुरुजी इतने मानता भलाई के कार्य करते हैं, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने 6 से 7 करोड़ लोगों का नशा मांस शराब छुड़वाई। जैसे अभी 6 से 7 करोड़ लोग नशा मांस शराब छोड़ चुके हैं, अगर यही लोग 6 से 7 करोड़ लोग भी शराब पीते तो रोज की उनकी इनकम कितनी बढ़ती। हम देखते हैं कि लोग 5-10 रुपए के लिए अपनी इज्जत बेच देते हैं, फिर गुरुजी ने 6 से 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाया। और जो नशा माफिया है, जो बुराई में लिप्त लोग हैं, फिर जो जे बुराई में लिप्त लोग हैं, तो उनको फिर जब उनकी दुकानें बंद हो रही थी तो फिर वो उन्होंने जो भी अपनी प्लानिंग की होगी गुरुजी को फंसाने के लिए, गुरु जो भी उनका किया, तो फिर अगर कोई आगे मानता भलाई के कार्य करता है, किसी का नशा छुड़ाता है, तो फिर उनसे दुनिया तो चिड़े ही की ना जो बुराई के साथ जुड़े हुए हैं। जी, जैसे आप आपकी जो आस्था है आज विश्वास जब गुरुजी के साथ किस तरह का? हम आज भी वैसे ही गुरुजी को मानते हैं जैसे पहले मानते थे, हमें मालूम है गुरुजी सच्चे हैं, हमें मालूम है कि वो क्या है। जी जी, जैसे 3 साल होने वाले हैं लगभग गुरुजी अब नहीं है समाज के अंदर, तो 3 सालों के अंदर क्या प्रभाव आया है समाज के ऊपर? हम आज देख सकते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे भी जो हैं वो नशे बुराइयों में लिप्त हैं। जैसे आजकल मोबाइल में इतना कुछ आता है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। जैसे जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई फैमिलीज हैं उनके बच्चे जैसे सत्संग सुनते हैं, जो गुरुजी सत्संग करते थे तो वहां से गुरुजी से उनको मोटिवेशन मिलती थी। जैसे गुरुजी सत्संग में फरमाते हैं दुनियावी आप दुनिया में कैसे अपना व्यवहार सही रखें, कैसे आगे बढ़ें, भी हमें ठगी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें गलत चीजें फोन पर नहीं देखनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे को ही हम जब छोटा बच्चा होता है उसको मोटिवेट करते रहे इन बातों से तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। आज जैसे दूसरी फैमिलीज हैं उनके घर पर जैसे पेरेंट्स तो काम पर चले जाते हैं, जब वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे बच्चों पर, तो वो उनका उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, गलत और सही में फर्क बताने वाला कोई नहीं है, तो वो छोटे छोटे बच्चे बुराइयों में नशों में लिप्त हो जाते हैं। आज हम देख सकते हैं हमारे गांव में शहरों में कितनी बुराइयां नशे कितने बढ़ चुके हैं, तो वो समाज को इफेक्ट कर रहा है। अब सभी जैसे 6 से 7 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ा, अगर बाकी दुनिया के लोगों को भी गुरुजी मोटिवेट करें, गुरुजी की गाइडेंस मिले, तो वो भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हमारा समाज अच्छा बन सकता है। आपको जरूरत लगती है आज उनकी वापस आने की? बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी समाज को। जैसे गुरुजी हमेशा अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करते हैं, हमेशा अच्छा ही कहते हैं ऐसे करो, हमेशा गाइड करते रहते हैं हमें, तो वो उनकी बहुत ज्यादा समाज को जरूरत है। आज जैसे हम देख सकते हैं जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, मैं अपने ही एरिया की बात बताना चाहूंगी, जैसे ब्लड डोनेशन जो कैंप ब्लड डोनेट कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की वॉलंटियर्स, तो हमारे यहाँ भी किसी को ब्लड की जरूरत थी, उन्होंने नॉन डिवोटी से पहले पूछा कि हमें ऐसे ब्लड चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहते बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। तो हमारे जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर जो हमारे यहाँ साथ संगत है वो गई शहर में उनको ब्लड डोनेट देने, ब्लड डोनेट करने। तो अगर गुरुजी ने हमें डेरा सौदा वॉलंटियर्स को गाइड ना किया होता है तो आज कौन उनको खूनदान करने जाता? सभी ऐसे सहम गए भी कैसे भी हम बाहर जाएंगे कोरोना हो जाएगा, लेकिन डेरा सौदा के वॉलंटियर्स वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं मानता भलाई के हित में।
अगर गुरु जी की गाइडेंस सभी को मिले तो सभी के अंदर मानता भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरणा आए तो सभी समाज हमारा सुधर सकता है। जी जी, लेकिन मैम अभी काफी खबरें आई थी, जैसे गुरुजी की पेरोल की बात चली थी, तो कुछ लोगों का कुछ अलग तरीके से कहना था अभी अगर वो समाज में वापस आते हैं तो माहौल के बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैंने भी ये न्यूज सुनी थी, ये न्यूज सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी माहौल खराब होगा, जिस वैसे तो हमें नहीं कहना चाहिए, भी वो इंसान है, गुरुजी जैसे इंसानी चोले में आए, तो वो उन्होंने 6 से 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाया, उन्होंने शुभ देवी जो वैश्यावर्ती में लड़कियां फंसी हुई थी उनको बाहर निकाला, गुरुजी ने इतने मानता भलाई के कार्य किए, जैसे गरीबों को जो भी जरूरतमंद है उनकी लड़कियां जो अपनी लड़कियां की शादी नहीं करवा पाते उनकी शादियां करवाई, जो मकान नहीं बना सकते जैसे गरीब है या कोई भी रीजन हो गरीबी हो जो अपने घर नहीं बनवा पाते उनके घर बनवा कर दिए, गुरुजी ने इतने मानता भलाई के कार्य किए तो उनके आने से माहौल कैसे खराब हो जाएगा। जैसे उन्होंने 134 मानता भलाई के कार्य चला रखे हैं तो उन्होंने उनके नाम 78 रिकॉर्ड्स हैं, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है, तो उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली हुई है, वो भी उनको उनके जो मानता भलाई के कार्य है वो कर रहे हैं, जैसे वो कैंप लगाते हैं निःशुल्क परमार्थी कैंप लगाते हैं, जो उन्होंने इतने पौधे लगाए 32 उन्होंने महानगर जो थे उनकी सफाई की, तो इतने ज्यादा काम कर रहे हैं तो फिर उनके आने से माहौल कैसे खराब होगा। माहौल तो सब सुधर रहा था लेकिन लोग जो बुराई के साथ जुड़े होते हैं जिनको बुराई अच्छी लगती है शाही से जिनको चिढ़ है उनको ही लगता है कि माहौल खराब होगा, जिनकी रोज की बोतलें नशे की शराब की मांसाखोरी जिनकी नहीं अब हो रही, अगर यही लोग मांसाखोरी से जुड़े होते तो फिर उनको अच्छा लगता। जी 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 जी, अब देखा जाए कोरोना का टाइम चल रहा है, जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस में भी चल रहा है, बहुत जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो ये क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस वाला, तो इस टाइम में किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा है डेरा सच्चा सौदा का या गुरुजी का, किस तरह का रोल रहा है, चाहे वो अभी नहीं है सोसाइटी फिर भी क्या उनका भूमिका रही है जी? चाहे वो सोसाइटी में नहीं है लेकिन उनकी जो प्रेरणा है वो उनके वॉलंटियर्स में ब्लड में है, वो जैसे आज जैसे कोरोना चल रहा है कोई सभी लोग सहमे हुए हैं डरे हुए हैं कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन डेरा सच्चा सौदा वॉलंटियर्स उसी दिन से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है सरकार की परमिशन से मानता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जैसे गरीबों को जो जरूरतमंद है उनको खाना बांट रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं अब ब्लड की कितनी ज्यादा कमी आ चुकी है तो सरकार को कौन ज्यादा है इस वक्त, डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स उन्होंने उनको कहा भी हमें ब्लड की जरूरत है, पटियाला हो चाहे जितने भी शहर हों बड़े बड़े पंजाब के या हरियाणा के सभी शहरों की जो भी सरकारें जो भी उनके यहाँ की, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स को कहा भी हमारे यहाँ ब्लड की कमी हो चुकी है आप हमें ब्लड दो, क्योंकि उन्हें पता है जरूरत के वक्त डेरा सच्चा सौदा वॉलंटियर ही काम आ सकते हैं, और जैसे सैनिटाइजर कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स सारा इतने काम वो कोरोना के टाइम में कर रहे हैं, तो ये सब गुरुजी की प्रेरणा से ही कर रहे हैं। जी, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई वुमन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह का रोल रहा है डेरा सच्चा सौदा? जैसे हम देख रहे हैं भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को आगे बढ़ने की इतनी नहीं दी जाती, मौके नहीं मिलते, जैसे सोसाइटी रोकती है जहाँ पेरेंट्स रोकते हैं, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं फैमिली गुरुजी जैसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, वो कहते हैं कि बेटियों को अबला नहीं सबला बनाओ, तो जैसे गुरुजी ने इतने लोग जो लड़कियों को गुरुजी ने प्रेरित किया वो आगे जैसे उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रही हैं, वो स्पोर्ट्स में इतने इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर आगे बढ़ रही हैं गुरुजी की प्रेरणा से, जैसे गुरुजी ने शुभ देवियां जो वैश्यावर्ती में फंसी लड़कियां उनकी शादियां करवाई, विधवा विवाह गुरुजी ने करवाई जिनकी नहीं शादियां हो पा रही थी लड़कियों की जो गरीब थी उनकी गुरुजी ने शादियां करवाई, गुरुजी इतने मानता भलाई के कार्य उनके लिए गुरुजी ने चला रखे हैं मोटिवेट कर रहे हैं गुरुजी।
जी 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 जैसे काफी कार्य है डेरा सच्चा सौदा में जो है गुरुजी ने चलाए हुए हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन मैम लोग हैं जहाँ समाज के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, जहाँ उनके ऊपर जो काफी आरोप लगाए जा रहे हैं और भी लगातार बातें फैलाई जा रही हैं, आप क्या मानते हो उन सब लोगों के बारे में? वो 101% झूठे आरोप हैं गुरुजी पर जो भी लगाए हुए हैं। आज लोग थोड़े से पैसों के लिए किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं, जिस सोसाइटी ही आजकल ऐसी है, तो फिर गुरुजी तो इतने मानता भलाई के कार्य कर रहे हैं, दुनिया का इतना भला कर रहे हैं, तो उन पर फिर लोग जो बुराई से लिप्त लोग हैं फिर गुरुजी पर वो कैसे करें? जी। आप पब्लिक को क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी के लिए? मैं तो यही अपील करना चाहूंगी कि गुरुजी हमारे सच्चे हैं, उन्होंने देश के हित के लिए इतने काम किए हैं, इतने मानता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, तो किसी भी मीडिया की बातों पर उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज हमें पता है इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लोग तो वीडियो फोटोज कुछ भी एडिट करके डाल देते हैं, जब तक हमें किसी की सच्चाई ना पता चले हमें तब तक उन पर किसी पर भी झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। गुरुजी के बारे में तो सभी को पता है, गुरुजी कितने मानता भलाई के कार्य कर रहे हैं, सत्संग में गुरुजी ने कभी किसी धर्म जात पात के विरुद्ध कभी एक शब्द भी नहीं कहा। गुरुजी ने जो फिल्में बनाई उसमें भी गुरुजी ने हमेशा इंस्पिरेशनल मैसेजेस ही दिए हैं, भी नशा नहीं करना, शराबखोरी नहीं करनी, हेल्दी इंटरटेनमेंट गुरुजी ने परोसा सभी को। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बिना सच्चाई जाने कभी भी किसी पर कोई भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी जी लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी के लिए? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द भेजा जाए, आज समाज को गुरुजी की जरूरत है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि समाज में इतने ज्यादा नशे बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा बुराइयां बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इस समाज को एक मेंटोर, एक गाइड की जरूरत है, एक गाइडेंस चाहिए, तो गुरुजी ही दे सकते हैं वो समाज को वो गाइडेंस, तो यही मैं कहना चाहूंगी। जी जी हरप्रीत इंसा जी, आपका रियल फैक्ट रखने के लिए समाज के लोगों के सामने सच्चाई जो आपके आपको लगता है जो रियल फैक्ट है वो रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि पब्लिक जरूर आपकी बात सुनेंगी। और देखिए दोस्तों, हम लगातार आपको रियल फैक्ट के सिरूबरू करवा रहे हैं, ये रियल फैक्ट है, सूत्र नहीं है, सीधे लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं। यंग लड़कियां भी सामने आकर बोल रही हैं, और जितने भी आरोप हैं डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जी इंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको ये लोग दिल से नकार रहे हैं। हमारी भी इस चैनल के माध्यम से जो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी इन फैक्ट्स के ऊपर जरूर देखिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा, खुले दिमाग से, खुली सोच से जरूर देखिए कि वहां जाने वाले लोग क्या कह रहे हैं, क्या समाज के हित में है। जिस तरह से हम लगातार खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों का मानना है कि गुरु जी ने 6-7 करोड़ लोगों का नशा छुड़वाया, वेश्यावर्ती जिसको कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता, ऐसी लड़कियों को गुरुजी ने अपनी बेटी के रूप में अपनाया ही नहीं, उनके अच्छे घरों में शादी की, भ्रूण हत्या से करोड़ों लोगों को रोका गया, वातावरण के लिए, देश को सैनिटाइज करने के लिए, कोरोना वायरस के लिए, और मेन बात करोड़ों लोगों के अंदर इंसानियत का बीज डाल दिया। हम भी देख रहे हैं कि अब लगातार कोरोना वायरस के टाइम में जिस तरह से हरप्रीत इंसा जी ने भी बताया कि लगातार इतने यूनिट ब्लड डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किया जा रहा है, जो थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको बचाया जा रहा है, बाकी में बेमिसाल काम जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो गुरुजी की प्रेरणा से की जा रहे हैं बहुत बेमिसाल है। आप लोग सोचिए, क्या नशा छुड़वाना समाज के हित में है? क्या भ्रूण हत्या से बेटियों को, भ्रूण हत्या को रोकना क्या समाज के हित में है? क्या वेश्यावृत्ति को बंद करना समाज के हित में है? क्या इंसानियत का बीज हर घर में हो, हर बच्चे के अंदर इंसानियत हो, हर इंसान इंसानियत के नाते जिए, क्या ये समाज के हित में है? आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए, फिर बताइए कि इन लोगों के बारे में, और इन लोग जो ये मांग कर रहे हैं गुरुजी के समाज के अंदर,
उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सच्चाई है, खुले दिमाग से सोचिएगा दोस्तों, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।